अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि सऊदी अरब में गाड़ी कैसे चलाते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, किस तरह गाड़ी चलानी चाहिए इंसान को, तो आज हम वो आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, अब आपको दिखाते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये देखो दोस्तों, ये जो रोड की स्पीड है ना, ये कितनी स्पीड है, बोर्ड लगा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है, तमानी अरबी में लिखा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है। यहाँ से 80 से ज़्यादा आपको नहीं चलना है, क्योंकि आगे कहीं भी यहाँ पे कैमरा रखा होगा। अपने को एक साइड पे चलना है, हालांकि ये तो 80 की स्पीड है, इसके लिए मैं ये साइड पे चल रहा हूँ। बाकी ये जो साइड पे मैं चल रहा हूँ, ये हमेशा स्पीड साइड होती है, मतलब स्लो वाली के लिए साइड पे होती है। अब मुझे स्लो चलना है तो मैं गाड़ी का इंडिकेटर दूंगा ऐसे करके, और धीरे 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 अपनी साइड पर आ जाऊँगा। देख रहे दोस्तों, मैं तो खाली आपको दिखाने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। अभी देखो ये कैमरे के निशान लगे हुए हैं, ऑलरेडी ध्यान से देखना इस बोर्ड को। इसमें देखो ट्रक की स्पीड 50 लिखी है, कार की 80 लिखी है, और कैमरे का निशान भी बना हुआ है। देखो ये मतलब आगे कहीं कैमरा रखा होगा, मतलब ये लोग पहले से बता देते हैं कि आगे कैमरा है भाई, स्पीड के दरमियान चलो, तो समझ रहे हो दोस्तों। तो सऊदी अरब में गाड़ी ऐसे ड्राइव करनी चाहिए। अब मुझे साइड पे लेनी है गाड़ी, तो मैं धीरे धीरे इंडिकेटर दूंगा, इंडिकेटर देने के बाद गाड़ी को अपनी साइड पे ले लूँगा। इंडिकेटर दोगे ना तो सामने वाला खुद ही रुक जाएगा पीछे, ये अपने इंडिया जैसा नहीं है कि इंडिकेटर दे रहे हैं फिर भी कुछ जा रहे हैं, सिस्टम है भाई इधर। तुम इंडिकेटर दोगे सामने वाला खुद ब्रेक मार लेगा, धीरे धीरे स्लो कर लेगा, मतलब तुमको साइड दे देगा वो। दोस्तों गाड़ी इस तरह चलाने की, देखो एक ही लाइन पे चलाने की, ऐसे करके एक ही लाइन पे चलाने की, अभी मुझे लेफ्ट जाना है, ठीक है, तो मैं इंडिकेटर दूंगा ऐसे। अभी ये देखो ये यूटर्न मारना है, तो ये एयरोड का निशान, यूटर्न मार लो आप। तो दोस्तों ऐसा होता है, समझ रहे हो, अभी मुझे ये यू टर्न लेफ्ट जाना था, मैंने इंडिकेटर दिया, अब मैं लेफ्ट जा रहा हूँ। बस ये लाइनें दी होती हैं, बस लाइनों के अंदर कोई भी एक लाइन को पकड़ के चलने का, तो बस कोई टेंशन की बात नहीं, बस एक लाइन को पकड़ लो और आराम आराम से अपने चलना है। मिरर में देखना है बार बार, राइट लेफ्ट मिरर में देखना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाथ निकाल दो, गुंडी निकाल दो, वो सब नाटक नहीं है इधर, सब मिरर में देख के गाड़ी चलाओ बस, समझ रहे हो दोस्तों। अभी ये सामने देखो ये सर्कल आ रहा है, इसको दौर बोलते हैं अरबी में, अपने यहाँ गोल सर्कल बोलते हैं इसको। अब मुझे लेफ्ट जाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर दूंगा ऐसे करके, ऐसे करके इंडिकेटर दूंगा, उसके बाद ही टर्न मारना है। और यहाँ ऐसा नहीं है, जो सामने वाले की साइट है वो निकलेगा, तुमको रुकना है, अगर तुम्हारी साइड नहीं है तो तुमको रुकना है, ऐसा नहीं घुस जाना है, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसकी साइड है ना, गलती तुम्हारी है ना, वो तुमको उड़ा भी देगा, मतलब क्योंकि भाई वो तो राइट में है, तुम गलती हो ना, तुम रॉन्ग साइड में घुस रहे हो ना, उसे थोड़ी ना रुकना है। तो दोस्तों ऐसा होता है, जहाँ भी पहले ये समझना चाहिए तुम्हारी साइड कौन सी है, ये मेरी साइड है, मेरे को निकलना है कि सामने वाला जो आ रहा है उसकी साइड है, समझ रहे हो, जैसे कोई लेफ्ट से आ रहा है राइट से आ रहा है, तो पहले तो साइट को मालूम करना चाहिए कि हमारी साइट कौन सी है, और आपको वेट करना है, अगर आपकी साइट नहीं है तो आपको वेट करना है, गाड़ी निकल जाए उसके बाद निकलना है, और आपकी साइट है तो बिंदास निकल जाओ, सामने वाला ऑटोमेटिक रुक जाएगा, समझे दोस्तों। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, मिलते हैं फिर कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।